अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हमारा यहाँ पे थर्ड डे है। तो अभी बस हम करने जा रहे हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद तैयार होके कहीं पे चलते हैं आसपास ही, तो फिर वहाँ चलते हैं और फिर घूमते हैं नाश्ते के बाद। हमें रुके हैं और रुक के बंदर पॉइंट है, तो वहाँ पे हम बंदर देख रहे हैं और हम गाड़ी के अंदर ही बैठ के देख रहे थे कि कहीं पे यार फ़ोन ना ले जाए, क्योंकि वही फ़ोन तो बड़े महंगे हो गए। तो फिर हम गाड़ी के अंदर ही बैठ के देख रहे थे, वो भी हमें देख रहे थे कि हमें क्यों देख रहे हैं। तो फिर हम वहाँ पर कुछ 5-10 मिनट वहाँ पर उनको देखा, बच्चे इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने कहा चलो फिर चलते हैं, और फिर हम जा रहे हैं नथियाबली वाली साइड पर, तो फिर वहाँ जाके मिलते हैं। फ्रेंच फ्राइज़, कर्ली फ्राइज़ और जो सिंपल फ्राइज़ होती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें थी, कॉफ़ी, चाय। तो वहाँ पे जो कर्ली फ्राइज़ बन रही थी ना, उसका तरीका भी बहुत डिफरेंट था और वो बहुत मज़े की थी, और इतनी ना एक्सपेंसिव भी नहीं थी, बहुत नॉर्मल रेट की थी। और बहुत छोटा सा बच्चा था वो बना रहा था। तो गाइज जब भी जाएँ तो ज़रूर विज़िट करें। हम लोगों के लिए एक ऐसी एक्टिविटी थी सिर्फ ज़िप लाइन, तो फिर हम ज़िप लाइन पर गए और ज़िप लाइन पर जाना था, और जाने के बाद उसने कहा आपने जंप करनी है। मैं कहा है जंप करनी है, वहाँ तो एक दफ़ा जान निकल गई थी भाई यार, जंप कैसे करनी है। लेकिन हाँ उस वक्त वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़े की थी। बहुत छोटी सी ज़िप लाइन थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिविटी एरिया बनाया है कि आप वहाँ पर जाओ। और वहाँ पर मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं है, या ट्रैकिंग है या होटल है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वो बहुत अच्छी जगह बनाई है, ज़रूर विज़िट करो, बड़ा मज़ा आया था। तो यार फिर हम पार्क से वापस आ रहे थे, तो वापस आ रहे थे तो होटल की साइड, होटल के ना ऑपोजिट साइड पे ना एक उन्होंने फूड की जगह सारी बनाई हुई थी, और ट्रैकिंग एरिया बनाया हुआ था। मतलब वो ट्रैक नहीं था, बट उन्होंने अपनी तरह से जगह बना के ट्रैक बनाया हुआ था, और बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रैक था। तो और मैं शूज़ भी नहीं पहन के गई, तो ट्राई करो कि शूज़ पहनेंगे, तो क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक ट्रैकिंग एरिया था। तो फिर हम वहाँ गए, और उसका जो व्यू था ना यार, कमाल का व्यू था। जाना लेकिन प्रॉपर शूज़ पहन के जाना ऐसे, क्योंकि मैंने बस सैंडल से पहनी हुई थी और मैं चली गई थी, तो सैंडल पहन के ना जाना, प्रॉपर शूज़ पहन के जाना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक ट्रैक पे आए हुए हैं, उसको एक आधे घंटे से चल रहे हैं, बट कोई जगह आ नहीं रही, जंगल ही है। अब लग रहा है आगे जाके शेर ही आएगा, क्योंकि देखो सदा जंगल ही है। देखो आगे क्या पॉइंट आता है, तो फिर तो यार हम ट्रैक पे पहुंच गए हैं। एक सिंपल सा ग्राउंड है, लेकिन अल्लाह की कुदरत बहुत बहुत बहुत, बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखो कहाँ पे है, कहाँ पे हो, कौन से कलर की है, लव कहाँ पे हो, लव अब काउस दिखाओ, अब काउस दिखाओ, इतने नहीं भागो। बहुत खूबसूरत जगह है, जरूर विजिट करना।
तो गाइस यार आज का दिन हुआ एंड, खाना छाना हो गया, उसके बाद कुछ वॉक शॉक हो गई, तो फिर हमने कहा हम सोते हैं। हम भाई बैठे बैठे बातें कर रहे थे, अपने छोटू से बातें कर रही थी किधर, अभी हम तो सोने लगे। अब हम सोने लगे। अब इंशाल्लाह आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तो अभी के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। तो यार कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा आज का, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे चैनल को कर दो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दो, और नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करो। तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।